अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगी बीफ कोरमा किस तरह से बनाते हैं। उसके लिए आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। 1 kg बीफ, 3 लार्ज साइज अनियन स्लाइस, 3 लार्ज साइज अनियन पेस्ट, 3/4 कप कुकिंग ऑयल, 1.5 कप योगर्ट, 3 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 2 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1.5 टीस्पून सॉल्ट और टू टेस्ट, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 5 स्मॉल पीसेज ऑफ जिंजर, 2 टीस्पून केवड़ा एसेंस। गर्म मसाले में हमें चाहिए होगा 5 स्मॉल पीसेज ऑफ सिनेमन, 5 ग्रीन कार्डमम्स, 2 ब्लैक कार्डमम्स, 11 ब्लैक पेपर, 7 क्लोव्स, 1 बे लीफ एंड 1 टीस्पून व्हाइट क्यूमन सीड्स। ऑयल को गर्म करके अब इसके अंदर मैं ये प्याज डाल दूंगी और इसे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करूंगी। अनियन पेस्ट के अंदर हम ये रेड चिल्ली पाउडर डाल देंगे, कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, गार्लिक पेस्ट, और सारा गरम मसाला। अब इसको मिक्स करके मैं रख लूंगी। प्याज को लाइट ब्राउन करने के बाद अब मैं इसको प्लेट में निकाल के रख लूंगी। प्याज को निकालने के बाद अब इसके अंदर मैं ये गोश्त डाल दूंगी और इसका वाटर ड्राई होने तक फ्राई करूंगी। गोश्त को फ्राई करने के बाद अब ये जो मसाला मैंने मिक्स करके रखा था ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसे भी मिक्स कर लूंगी। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसका मसाला भूनेंगे। मसाले को अच्छे से भून लेने के बाद अब इसके अंदर मैं पानी डाल दूंगी जिससे ये गोश्त गल जाएगा। प्याज के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। इसके अंदर मैंने 3 ग्लास ऑफ वाटर डाले थे, उससे गोश्त मुकम्मल तौर पर गल गया है और ये भुन भी गया है। अब इसके अंदर मैं योगर्ट डाल दूंगी। इसको मिक्स कर लूंगी। और अब ढक्कन ढककर योगर्ट का वाटर ड्राई होने तक पकने दूंगी। देखिए योगर्ट का वाटर जो है वो अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर मैं ये अदरक डाल दूंगी जो हमने ब्राउन प्याज को ग्राइंड करके रखा था, उसे डाल दूंगी। हाफ ग्लास ऑफ वाटर डाल दूंगी। एंड 2 टीस्पून रू केवड़ा डाल दूंगी। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसको मैं 10 मिनट का दम लगा दूंगी। आफ्टर 10 मिनट्स अब ये मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। अब मैं इसको डिश आउट कर लूंगी। देखिए नाज़रीन, अब नहायत मज़ेदार और खुशबूदार बीफ कौरमा मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है।
आप इसको इसी तरह बनाकर नान के साथ पेश कीजिएगा, ये खाने में बहुत लजीज होता है, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।